पोटैटो चिप्स मशीन। एक गांव में चंकी पांडे नाम का बंदा रहता था। वो बहुत दिमाग वाला था, पर वो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर यकीन बहुत करता था। एक ज्योतिष उसे तू एक साल में किंग बनेगा बोलने से वो काम धंधा छोड़ के बेकार घूमने लगा। चंकी पांडे का बाप मनीष पांडे उस गांव में आलू चिप्स बनाता था। एक दिन मनीष पांडे चंकी पांडे से, रे साल में तू किंग कैसे बनेगा रे, वो बेवकूफ कोई बोला तो तू उस पे यकीन करेगा? मेहनत करके चिप्स बेचकर तुझे इंजीनियर बनाया तो तू नौकरी नहीं करेगा बोल रहा है? तेरे ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं बेटा मेरे, हमारे गांव के फैक्ट्री का मालिक तुझे अच्छी सी नौकरी देगा बोल रहा है। ये ज्योतिषी का पागलपन छोड़कर नौकरी में जाके भर्ती हो जा रहे। क्या मैं फैक्ट्री में जॉब करूं? एक साल रुको, मैं ही उस फैक्ट्री को खरीद के उसमें उसको ही जॉब दूंगा। आफ्टर वन ईयर आई विल बी किंग यू नो, कहकर चला गया। एक दिन चंकी पांडे की बहन की मुंह दिखाई चल रही थी। उतने में चंकी पांडे घर पे आया। क्या चल रहा है यहाँ पे? तेरी बहन की मुंह दिखाई चल रही है। लड़का बैंक में जॉब करता है, वो तेरी बहन को पसंद भी किया। व्हाट, मेरी बहन को बैंक में जॉब करने वाले के साथ शादी? आफ्टर वन ईयर इस गांव में मैं ही बैंक शुरू करने वाला हूँ। ऐसे अरे गहरे नत्थू खेरे कई लोगों को मैं काम दूंगा, कहके बहन से, क्यों री? तुम्हारा स्वयंवर का ऐलान करके किसी मैसूर महारानी के पोते से या फिर जयपुर महाराजा के बेटे के साथ शादी करवाना चाहता हूँ तो तू चीप में एक बैंक के क्लर्क के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई? ऐसे करने से एक साल के बाद मेरे सम्मान का क्या होगा? नहीं, ये शादी होने के लिए मैं बिल्कुल राजी नहीं हूँ। ए तुम लोग सभी बाहर जाओ, कहकर उन्हें बाहर भेज दिया। क्या रही है, तेरी अंधविश्वास के लिए अच्छा खासा रिश्ता तोड़ दिया? एक साल रुकिए, हमारी हैसियत के हिसाब से शादी बनाऊंगा। मुझे धनुष विद्या के लिए समय हो गया है, मैं चलता हूँ। तो वो लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। एक दिन चंकी पिता के चिप्स शॉप के पास आकर, डैडी तुम इस तरह चीप में चिप्स बेचना मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कल मैं राजा बनने के बाद तुम्हारे पापा चिप्स बेचते थे कहकर अगर मेरे राज दरबार में कोई पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए तुरंत इस व्यापार को बंद करके सिंहासन पे कैसे बैठना है उसका प्रैक्टिस करो। रे तेरा पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उस कमबख्त ज्योतिष पे भरोसा करके जमीन को बेचकर 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां लगाया। वैसे आज के जमाने में राजा और राज्य कहाँ पे है रे? ज्योतिषी की ताकत आपको नहीं पता है डैडी, दिशा बदली तो कुछ भी हो सकता है। कौन बता सकता है कि फिर से हमारे देश में राज्य शासन नहीं आएगा? फिर से MP MLA के बदले राजा महाराजा की शासन भी आ सकता है। पार्लियामेंट के जगह पे महाराजा का पैलेस भी हो सकता है। नहीं तो लोग सभी टाइम मशीन के जरिए राजाओं के जमाने में जा भी सकते हैं। इसलिए आप इस चिप्स व्यापार तुरंत बंद कर दीजिए। मैं तेरी बात सुनकर व्यापार बंद कर दिया तो तू राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं जरूर भिखारी बन के भीख मांग के तुम लोगों को पालना होगा। वैसे वो ज्योतिष हर रोज चंकी को पत्थर और धागे बेचकर उसके पास से पैसे ऐंठ रहा था। वैसे एक साल गुजर गया। चंकी ज्योतिष से, क्या है गुरुजी, एक साल बीत गया, आपने कहा था एक साल में मैं किंग बनूंगा। किंग का छोड़ो, ताश के पत्ते में किंग का पत्ता भी मुझे नसीब नहीं हो रहा है। तो ज्योतिष कुछ हिसाब करके, तुम्हें राजयोग थोड़े में मिस हुआ है, अचानक राहु जागकर तुम्हारे रास्ते में आ गया। कुछ 50,000 रेडी किया तो तुझे राहु केतु पूजा कराऊंगा, अगले साल तक तू राजाओं के राजा बनेगा पक्का। चंकी को समझ में आया कि उसने धोखा दिया है। अरे वो राहु और कोई नहीं है रे, तू ही है रे। मैं किंग बनूंगा कहकर उकसा कर मुझे सारी जायदाद बेचने पर मजबूर किया ना रे। तुझ पे भरोसा करके मेरी बहन की शादी भी मैंने तोड़ दिया। दोबारा इस गांव में मुझे दिखाई दिया तो चमड़ी उधेड़ दूंगा, जा। बाद में पिता के पास आकर, माफ कीजिए पिताजी, गलती हो गई। जो घमंड मैंने हाल ही के दिनों में दिखाया, इस पूरे प्रांत में कोई भी मुझे नौकरी नहीं देगा, इसलिए मैं अपना व्यापार को संभालना चाहता हूँ। अब से आप घर पे आराम कीजिए। मनीष बहुत खुश हुआ। उस दिन के बाद चंकी पांडे ने आलू चिप्स बनाना शुरू किया।
जल्दी ही उसके व्यापार में बरकत आई। बहुत सारे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। डिमांड्स को पूरा करने के लिए चंकी एक आलू चिप्स मशीन बनाया। उससे आलू को कट करके जल्दी चिप्स बनाने लगा। उससे उसका व्यापार 10 गुना बढ़ा। कुछ दिन के बाद चंकी उस बैंक क्लर्क को क्षमा मांगकर उससे अपनी बहन की शादी धूमधाम से किया। मनीष बहुत खुश हुआ। बुलेट रिक्शा। एक गांव में प्रताप नाम का व्यक्ति हुआ करता था। वो डिग्री बिना पूरी किए दोस्तों के साथ आवारा गर्दी किया करता था। उतना ही नहीं, पिताजी भुवन को सताकर पैसे लेता था और नए नए सेलफोन्स खरीदता रहता था। बहुत लाड प्यार से उसके माँ बाप ने बड़ा किया, इसलिए वो पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। एक दिन प्रताप दोस्तों के साथ जब चौपाल पर बैठा था तो एक आदमी बुलेट पर जा रहा था। उसे देखकर एक दोस्त, बाइक हो तो ऐसी, देखकर लगता है कि एक योद्धा शेर पर सवारी कर रहा है। हमारे गांव में सिर्फ उसके पास ही है। तुम्हें भी बुलेट पर देखने की बहुत आस है दोस्त। हाँ क्या, उसमें कौन सी बड़ी बात है, घर पर मनाकर बुलेट खरीद लूंगा। प्रताप के घर पहुँचने तक उसके मिलिट्री मामा बहादुर वहाँ आए हुए थे। उसे देखकर प्रताप घबरा गया। क्यों भाई, ठीक हो? वैसे तुम क्यों ठीक नहीं होगे भला? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में तुम्हारे माता पिता से। सब कह दिया? सोचकर पिता से, डैडी मैं बगल वाले गांव में ट्यूशन ज्वाइन किया हूँ, मुझे एक बुलेट खरीद कर दो रोज जाकर आने के लिए। बुलेट वो तो बहुत महंगी होती है ना बेटा, पहले ही घर की स्थिति ठीक नहीं है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, घर बेचने की हालत होने वाली है। आप हमेशा ऐसा ही कहते हो, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बुलेट खरीद कर देना ही होगा। अरे वैसी बात नहीं है, ऐसे कुछ कह ही रहा था कि बहादुर। अरे बेचारा इतना पहुँच रहा है तो मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें बुलेट ही चाहिए ना, मैं खरीद कर लाऊंगा, लेकिन जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना होगा, वरना तुम तो मुझे जानते ही हो ना। भला बुलेट से ये क्या काम करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा घर के लिए सब्जी किराना ये वो लाने के लिए कहेगा। सोच कर हाँ कहा। दो दिन के बाद बहादुर, सुनो तुम्हारी बुलेट बाहर है देख लो। प्रताप खुशी से बाहर गया, वहाँ बुलेट रिक्शा खड़ी थी। वो देखकर प्रताप चकित रह गया। ये लो तुम्हारा मांगा हुआ बुलेट, आज से तुम्हें ये बुलेट रिक्शा चलाकर पैसे कमाने होंगे, घर में हर दिन कम से कम 1000 रुपए कमा कर लाना होगा, नहीं किया तो तुम्हारे लिए फिर स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग का बंदोबस्त करूंगा। प्रताप डर गया। प्रताप सेंटर पर बुलेट रिक्शा को खड़ा कर, आओ भाई आओ, कमलापुर सेंटर के लिए 20 रुपए, कारखाना तक 30 रुपए, यू आवाज देने लगा। एक आदमी आकर, ये तो बढ़िया चीज है, रिक्शा की छाव में और बाइक की तेजी में। हाँ तुम्हारा क्या जाएगा, 20 रुपए देकर बुलेट पर घूमोगे और इतने पैसे होने के बावजूद मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। हाँ सोचा। प्रताप इस तरह उस बुलेट पर सवारी शुरू किया। उसके दोस्त हैरान रह गए। फिर प्रताप अपने दोस्तों से, भाई ऐसे तो पूरे गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जब तक मेरे मामा अपने गांव के लिए नहीं निकलते तुम लोगों को ही मुझे पैसे देकर मेरी मदद करनी होगी। इस तरह रोज बिना रिक्शा चलाए ही वो पैसे घर पर लाकर देता था। एक हफ्ते के बाद बहादुर अपने गांव चला गया। प्रताप ने तुरंत अपने बुलेट से रिक्शा को हटवा दिया, फिर उस बुलेट पर अपने दोस्तों को बिठाकर बाहर घूमने लगा। एक दिन भुवन प्रताप से, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, व्यापार में नुकसान चल रहा है, गांव भर में सबसे उधारी ले चुके हैं, अब हमें घर बेचना ही होगा, हम तो किसी छोटे से झोपड़ी में रह लेंगे। तुम शहर जाकर मेरी बहन के यहाँ रुको, मैंने उससे बात किया है, यहाँ रहोगे तो तुम्हारी भी इज्जत चली जाएगी। प्रताप को एकदम से शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या कह रहे हो पापा, आप लोगों को इस हालत में छोड़कर मैं क्यों जाऊंगा? बुलेट खरीद कर देने कहा इसलिए आपने वैसा कहा सोचा, अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी, दिन रात काम करके उधारी चुका दूंगा, घर कहीं नहीं जाने दूंगा। माता पिता खुश हुए। उस दिन से प्रताप बुलेट रिक्शा चलाने लगा, बहुत मेहनत करने लगा। एक एक कर सबका उधार चुकाने लगा और तो और रात को पढ़ाई करके डिग्री भी हासिल किया।
उसकी अच्छी नौकरी लग गई। भुवन और उसकी पत्नी उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। फिर प्रताप बुलेट से रिक्शा निकालकर बहुत गर्व से उस पर बैठकर ऑफिस जाया करता था।